है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो है हमारा लेक्चर वो है स्विचिंग के ऊपर। स्विचिंग आपका टॉपिक है, वो पढ़ना हमने। ये बुक से है, ठीक है, आपकी बुक है जो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स की, उसी से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। स्विचिंग के बारे में मैंने पहले ही बताया, जब जैसे कि राउटर है, इसी तरह स्विच भी एक डिवाइस है जो कि आपका एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और ये डिवाइसेस कैसे काम करती है, वन टू वन कम्युनिकेशन जो है इससे पॉसिबल होती है, ठीक है जी। वैसे तो दो टाइप्स के स्विचिंग होती है, एक होती है एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव स्विचिंग में ये चीज है कि आपका स्विच फौरन से रिस्पॉन्ड देगा। लाइक मैंने सेंडर ए ने जो है वो डाटा, मल्टीपल पीसेस लगे हुए हैं, सेंडर डी को, रिसीवर बी को सेंड करना है, लेट्स सपोज करें। तो एक्टिव स्विचिंग ने यही काम करना है, उसने डाटा उसी को सेंड करना है। पैसिव स्विच के पास इतनी सेंस नहीं होती, उसने अपने सारे के सारे पैकेट जो हैं वो सबको फॉरवर्ड कर देने होते हैं। तो ये होता है स्विचिंग, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी की सारी इसकी है, पेयर डिवाइसेस बिटवीन अ सेंट्रल डिवाइसेस टू एंड एवरी अदर डिवाइसेस। ये टोपोलॉजीज डिपेंड करती हैं, ठीक है, तो कौन सी आपने यूज की है। तो ये था एक स्विचिंग की सिंपल डेफिनेशन के कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वन टू वन लिंक्स। स्विचिंग्स आर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस लिंक टू स्विच, ठीक है। ये हम स्विच कनेक्ट किया जाता है, मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, मल्टीपल नोड्स होती हैं जो कि कनेक्ट कर दी जाती हैं। और आप इसमें राउटर्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि स्विचिंग में हम राउटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये स्विच नेटवर्क है, ये जो है, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो फिगर 8.1 है, ये स्विच नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें भाई, मल्टीपल पीसीज लगे हुए हैं, ये सारे के सारे, ये जो ये वाला सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये स्विच का सिंबल है। एक तो मैंने सिंपल आपको स्विच का सिंबल बताया था, ठीक है। स्विच का एक सिंपल सिंबल कौन सा था, वो मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। मतलब ये अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर की बात करते हैं तो ये है, सॉरी मैं यहाँ से ही दिखा देती हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर से आपको स्विच दिखा देती हूँ। ये हब है, एंड डिवाइसेस में यहाँ पे ये स्विचेस, हाँ जी, ये देखें, अगर आप स्विचेस को देखें तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ ना, तो इसके ऊपर ये देखो दो इस तरह के साइन है, ठीक है। तो ये मैम स्विच, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओहो, चले, ये देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाई है ना, इस तरह की हम डिवाइस में बनाते हैं, एक राइट साइड पे एरो, एक लेफ्ट साइड पे एरो, मतलब कि दोनों साइड पे, ठीक है। ये स्विचेस ही है, ये जो है ना, ये स्विचेस का ही है। ये ना मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं, समझ लें कि ये मल्टीपल स्विचेस है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे इसके साथ भी एक स्विच के साथ तीन पीसेस लगे हुए हैं, इसके साथ एक लगा हुआ है, इसके साथ एक लगा हुआ है, इसके साथ तीन लगे हुए हैं, इसके साथ जो है वो दो लगे हुए हैं। तो ये एक स्विच नेटवर्क बनाया गया है कि मल्टीपल स्विचेस हैं, मल्टीपल उसके साथ पीसेस जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही यूज करते हैं ना, मल्टीपल लिंक्स जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, द एंड सिस्टम्स कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर लेबल्ड ए बी सी डी एंड सो ऑन एंड द स्विचेस आर लेबल्ड 1 2 3 4। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जो ए बी सी है वो आपकी पीसी डिवाइसेस हैं, जो इस तरह है, ये जो रोमन काउंटिंग है, ये आपकी कौन सी है, स्विचेस डिवाइसेस है, ठीक है जी। ये तो एक सिंपल चीज है, कम्युनिकेशन लिंक्स जनरेट किया, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपस में कनेक्ट किया, स्विचेस जो है वो वर्किंग करने। अब हम आगे चलते हैं स्विचेस की टाइप्स की तरफ।
आगे चले जाइए। हाँ जी, बेसिकली स्विच की जो टाइप्स हैं, बेसिकली जो स्विच की मेन टाइप्स हैं वो हैं थ्री: सर्किट स्विच, नेटवर्क, सर्किट स्विच नेटवर्क, मैसेज स्विच नेटवर्क। ठीक है, अब पैकेट स्विच नेटवर्क की फर्दर टू टाइप्स हैं। पहली है डेटाग्राम नेटवर्क, दूसरी है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अब हम इसको वन बाय वन जो है पढ़ेंगे हर एक टाइप को इसकी। हाँ जी, पहले हम सर्किट स्विच नेटवर्क की बात करते हैं। सर्किट, सर्किट बोर्ड क्या काम करता है? ऑन और ऑफ, प्लग एंड प्ले। तो इसमें भी हमने यही काम करना है, फिजिकल लिंक्स जनरेट करना होता है। सर्किट स्विच के अंदर हमने फिजिकल लिंक्स बनाना होता है। ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में, अ सर्किट स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स। ठीक है, ये फिजिकल लिंक्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। अ कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशन इज अ डेडिकेटेड पाथ। डेडिकेटेड पाथ मतलब के लिंक टू लिंक पाथ, इस रास्ते से होके गुजरना है। डेडिकेटेड पाथ मेड ऑफ वन और मोर लिंक्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कनेक्शन है टू स्टेशंस का वो एक पाथ जनरेट कर रहा है या मोर लिंक जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो हर कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेडिकेटेड चैनल को और उसमें एक ही लिंक होगा उसको फॉलो करेगा। भाई आप सर्किट सर्किट बोर्ड को देख लें, उस ऐसा तो नहीं होता ना, वो मल्टीपल एक्सटेंशंस लगा के हम यूज कर सकते हैं। आप फैन का बटन, उसके साथ फैन, ठीक है, रन टाइम पे तो एक ही चल रहा है ना, आप उसके साथ मल्टीपल कनेक्टिविटी करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हर लिंक के साथ नॉर्मली डिवाइड होते हैं मल्टीपल चैनल्स, ठीक है, बाय यूजिंग FDM। कल आपको बताया था FDM और TDM के बारे में। ठीक है, ये वही चीज है। ये देखे मेनली नॉट लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन ही है, कंसाइज करके ये इसकी डेफिनेशन है। अ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क इज मेड ऑफ अ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स, इन ईच लिंक इज डिवाइडेड इनटू एन चैनल्स। एक फिजिकल लिंक के साथ कनेक्टेड होता है और हर एक जो लिंक है वो मल्टीपल चैनल्स के साथ फर्दर लिंक्स जनरेट करता है। ठीक है, इसकी डायग्राम होगी आगे। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फोर स्विचेस जो हैं, फोर लिंक्स जनरेट कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक डिवाइसेस है, ये एम डिवाइसेस है। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस, ये जो चीजें हैं ये मल्टीपल डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक स्विच है, ये ऑपरेटर लगा हुआ है और ये एक लिंक है, वन लिंक बट नंबर ऑफ एन चैनल्स। एक फिजिकल लिंक है, एक वायर है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट चैनल, डिफरेंट नोड जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये दूसरा स्विच है, ये मल्टीपल इसके साथ नोड्स लगी हुई है, ये मल्टीपल नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ए जो है वो एम के साथ कम्युनिकेशन करनी है इसने। ठीक है, ए ने एम के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ए ने एम के साथ, देखिए ये पाथ उसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन फिजिकल लिंक एक है डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्विच के साथ, मल्टीपल चैनल्स हैं, तो ये पाथ डिफरेंट फॉलो कर सकता है। खा ए इधर से गुजरता हुआ इधर पहुंचे, खा डायरेक्ट उसकी कम्युनिकेशन कर ले एम के साथ, खा ये मल्टीपल डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफरेंट, जैसे कि हम इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, मैं लाहौर में बैठी, मैंने फैसलाबाद में किसी को सेंड करनी है रिक्वेस्ट या कोई भी काम करना है, तो ये सारा का सारा सर्किट स्विच का जो है वो सेटअप है। फिजिकल लिंक एक होता है लेकिन मल्टीपल चैनल्स होते हैं। ठीक है, पाथ एक ही होता है, फिजिकल पाथ एक ही होता है। ये था आपका जो सर्किट, सर्किट का सर्किट नेटवर्क, सर्किट स्विच नेटवर्क, ये चीज यहाँ पे सारी की सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर एंड सिस्टम सच एज कंप्यूटर और टेलीफोन। ठीक है, जैसे आप टेलीफोन की एग्जांपल लेते हैं तो वो सर्किट स्विच की एग्जांपल में आता है। टेलीफोन नेटवर्क आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ स्विच, वी हैव शोन ओनली टू एंड सिस्टम फॉर सिंपलिसिटी। व्हेन एंड सिस्टम ए नीड्स टू कम्युनिकेट विद एंड सिस्टम एम, एक एंड सिस्टम ए लगा हुआ है, दूसरी साइड पे एंड सिस्टम एम लगा हुआ है। अब दोनों ने आपस में कनेक्शन भेजा है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, एम ने रिक्वेस्ट उसकी क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली।
ठीक है। अब क्या करेगा, ये ऑल स्विचेस से होते हुए करनी किसने है, करनी तो इसी ने है ना, जितनी मर्जी स्विच लगे हो, जितनी मर्जी डिवाइसेस लगी हो, रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंच रही है, एम तक पहुंच रही है, कहाँ से पहुंच रही है, ए से पहुंच रही है। ए ने कहा कि तुम मेरी एक्सेप्ट करो रिक्वेस्ट, मेरे साथ कनेक्शन क्रिएट करो। तो ये है सेटअप फेज जो कि रिजर्व कर लेता है हर एक लिंक को, एक सिंगल लिंक क्रिएट करता है और कम्बिनेशन करता है डिफरेंट उसके चैनल्स को, डिफाइन करता है एक डेडिकेटेड पाथ। आपने अभी ये डायग्राम में देखा है, ये पाथ एक है, ए टू एम जो पाथ है उसको डेडिकेटेड पाथ कहा जाता है। ये तो एक लिंक है, ये एक नंबर ऑफ चैनल्स है, मतलब डिफरेंट वायर्स है, लेकिन एक लिंक के साथ डिफरेंट चैनल डिफरेंट वायर्स लगी हुई है। लेकिन जो इसका डेडिकेटेड पाथ है भाई, उसका मेन एज क्या है, उसका मेन सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, वो एक ही पाथ रहना, वो उसका डेडिकेटेड पाथ है। अच्छा, आफ्टर द डेडिकेटेड पाथ, ये यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, मेड ऑफ कनेक्शन सर्कट चैनल इज एस्टेब्लिश, अब डेडिकेटेड पाथ हो गया आपका, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, अब डाटा की कम्युनिकेशन सेंड हो रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी सर्कट स्विच में आती है। सर्कट स्विच की बेस्ट एग्जाम्पल ही आपका टेलीफोन है, ठीक है जी। और इसमें फिजिकल लिंक्स जनरेट होते हैं, फिजिकल लिंक बनाया जाता है, फिजिकल मीडियम होता है। जब आप टेलीफोन टू टेलीफोन बात करते हैं किसी बंदे से, तो आपने देखा नहीं है फोन की वायर तो एक ही लगी हुई होती है ना, तो ये होता है डेडिकेटेड पाथ जो आप कम्युनिकेशन डायरेक्ट एक लिंक के साथ कर रहे हैं। अब एक ही कंपनी आपको पीटीसीएल है, अब वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही चैनल प्रोवाइड कर रही है, वो तो मल्टीपल चैनल्स जनरेट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन से पहले ये सारे के सारे काम होते हैं, जो हमने मल्टीप्लेक्सिंग कल पढ़ी थी वो सारी के सारी इसमें फॉलो होती है, लाइक बैंडविड्थ हो गया, टीडीएम हो गया, टाइम स्लॉट सेंड करनी है, मतलब ये सारी के सारी सेटिंग जो है वो सर्किट स्विचिंग में ही इंक्लूड होती है। अच्छा, ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, हमने ये नहीं करनी। हाँ, ये डायग्राम देखें, फिगर है सर्किट स्विच नेटवर्क की ना, देखे पीटीसीएल का आपको फोन की एक्सेस है, ये क्या है भाई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी और टीडीएम की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंट आगे ऑपरेटर्स लगे हुए, डिफरेंट चैनल्स हैं, फिर ये बैंडविड्थ आ रही है, मर्ज हो रही है, ये डिफरेंट आगे रिसोर्सेज को पहुंच रही है कि किसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, 5 to 6, 7 to 8। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि नोड टू नोड या एंड टू एंड एक ही आपका डेडिकेटेड पाथ रहेगा, ठीक है। आपने जिसको कॉल की है उसी को, उसी के साथ बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कॉल एक के साथ किया और पूरी दुनिया में आप जो है एक ही टेलीफोन के साथ बात कर रहे हैं, नहीं, डेडिकेटेड लिंक तो एक ही है। तो ये था आपका सर्वर स्विच नेटवर्क में, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी के जरिए जो है वो T1 लिंक्स जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी के जरिए कर रहे हैं। अब ये दूसरी एग्जांपल है टी लिंक्स की, अब डिफरेंट पीसीज लगे हुए हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, लिंक एक है, सेंड हुआ, ये देखिए यहाँ से आ रहा है बहुत सारों का डाटा, लिंक एक ही है, एक ही लिंक है। डीमग्स ने क्या किया, उसको अगेन सेपरेट करके जिसका डाटा था उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अच्छा, ये थ्री फेजेस हैं, कोई नहीं पे, मतलब यही मेंशन किया गया है कि पहले को क्या करेगा, मल्टीपल पार्ट लिंक्स जनरेट करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, देन कम्युनिकेशन जो है वो सेंड होगी, डाटा ट्रांसफर होगा, देन वो टीयर डाउन मतलब बंद हो जाएगा, एस्टेब्लिश हुआ, डाटा ट्रांसफर हुआ, टीयर डाउन हुआ, मतलब वही आपका थ्री वे हैंड शेकिंग तकनीक आ गई यहाँ पे, या फिर फ्लो कंट्रोल का कंसेप्ट आ गया, भाई रिक्वेस्ट भेजी है, डाटा उसने एक्सेप्ट किया रिसीवर ने, कम्युनिकेशन होने लग गई है, डाटा ट्रांसफर होने लग गया है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, एंड पे क्या होगा, आप किसी ना किसी वक्त उसे बंद करेंगे, टीयर डाउन मतलब डिस्कनेक्ट, ये काम करेगा डिस्कनेक्ट। इसमें एफिशिएंसी, डिले,
एफिशिएंसी आपका डाटा किस फॉर्म में जा रहा है या किस फॉर्म में नहीं जा रहा है, एफिशिएंट जा रहा है। डिले के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में हमने पढ़ा है कि अगर कोई फ्रेम डिले हो जाता है तो, या फिर नॉइस जनरेट होती है, या फिर अगेन सेंडर जो है वो अपना फ्रेम सेंड कर देता है, अगर एक्नॉलेजमेंट लेट मिली है तो वो उसको, ये डिले नॉलेज की आ गई है, डिले नॉलेज सर्किट स्विच। ये देखें इसमें क्या हो रहा है, कनेक्ट हुआ, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, ये चीज कनेक्ट हो रही है, स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, ये बी डिवाइसेस के साथ इसने अपना एक नेटवर्क जनरेट करना है, ठीक है, ये इसके साथ अपना लिंक जनरेट करना चाह रहा है, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी है। अब एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, ये वही है, फ्रेम सेंड हुआ, फ्रेम रिसीव हुआ, डाटा सेंड हो रहा है, ये अब ये डाटा सेंड हो रहा है, डाटा सेंड करने के बाद मतलब कितना डिले आया, ये टोटल डिले देखेगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा आफ्टर टाइम एक्सपायर। तो ये है पहले डाटा नेटवर्क ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो अपना एक लिंक सेंड करेगा, अपना एक फ्रेम सेंड करेगा, बी कहेगा ओके, देन कम्युनिकेशन होगी, टोटल डिले अगर उसके दरमियान में आया है तो वो देखेगा, फिर अगेन डाटा सेंड कर देगा, आफ्टर एंड टीयर डाउन कर देगा, मतलब कि डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सारा का सारा सेटअप जो है वो क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, टेलीफोन नेटवर्क इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सो अब हम अपनी ना अगली टाइप के ऊपर मूव करते हैं। हाँ जी, डेटाग्राम नेटवर्क, डेटाग्राम नेटवर्क क्या चीज होती है, डेटाग्राम जो है उसमें, जिसमें पैकेट स्विचिंग जिसे हम कहते हैं ना, पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम कम्युनिकेशन, वी नीड सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू अनदर। इसमें हमने एक मैसेज सेंड करना होता है, अगर वो मैसेज पास हो गया है लाइक एज अ पैकेट स्विच नेटवर्क में, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है टू काइंड में, एक होता है फिक्स्ड वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल साइज, पैकेट का फिक्स्ड साइज और एक होता है वेरिएबल साइज, दोनों चीजें सेम है, या पैकेट फिक्स्ड होगा या उसका वेरिएबल साइज होगा, दोनों में से एक चीज जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। मतलब यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होगा। डाटाग्राम क्या चीज होती है, बेसिकली यही है ना, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है। इन पैकेट स्विचिंग देयर इज नो सोर्स एलोकेशन फॉर अ पैकेट, इसमें कोई रिसोर्स नहीं होते कि हम पैकेट्स को एलोकेट कर सके, इट मीन देयर इज नो रिजर्व बैंडविड्थ, इसमें कोई रिजर्व बैंडविड्थ नहीं होती, उसमें रिजर्व बैंडविड्थ थी जो आपकी सर्किट स्विचिंग है, उसमें रिजर्व बैंडविड्थ थी, इसमें रिजर्व बैंडविड्थ नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई स्केजुलिंग टाइम नहीं होता फॉर ईच पैकेट, हर पैकेट के लिए एक स्केजुलिंग टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाता। रिसोर्स आर एलोकेटेड ऑन डिमांड, भाई डिमांड है तो सेंड करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं सेंड करने की, एवं क्यों अपनी जो हम बैंडविड्थ है उसको वेस्ट करें। हाँ जी, ये चीज है, जो डाटाग्राम था वो पैकेट स्विच की काइंड है, ना पैकेट स्विच नेटवर्क, देयर इज नो रिसोर्स रिजर्वेशन, रिसोर्स आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। सर्किट में क्या था, पहले से रिसोर्स होते हैं, पहले से एफिशिएंसी सब कुछ सेट होती है, पहले से बैंडविड्थ होती है, लेकिन पैकेट स्विच में क्या होता है कि रिसोर्स हमें डिमांड के ऊपर ही जो है वो प्रोवाइड होते हैं या फिर हम सेंड करते हैं पैकेट्स। डेटाग्राम में हर पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंटली होता है दूसरों से, ये कोई डिपेंड नहीं करता। सर्किट में तो हम डिपेंडेंट होते हैं ना, इसमें हम डिपेंडेंट नहीं होते, वही चीज आगे डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। आपका डाटा जो है वो सेंड नहीं करेंगे, हम क्यों अपनी बैंडविड्थ वेस्ट करें। अगर इसको डाटाग्राम स्विचिंग को अगर हम कंपेयर करें उसके साथ, सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल स्विचिंग के साथ, तो ये बेसिकली काम ऐसे करता है, ये जो डायग्राम है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर स्टेशन ए टू एक्स मूव होने हैं तो किस चीज को फॉलो करेगा ये। अच्छा, डेटाग्राम है, जहां पे डेटाग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वहां पे समझ लें कि राउटर भी लाजमी होता है। राउटर्स, ये राउटर है और राउटर के क्रॉस से ऐसे ही सिंबल होता है, मतलब ये अब क्या चीज है, ये मल्टीपल डेटाग्राम सेंड कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल पैकेट्स हैं, ये मल्टीपल पैकेट्स हैं, इसने एक्स को सेंड करने हैं, ए ने
ए ने एक्स को सेंड करने हैं, लेकिन ये एक डेटाग्राम नेटवर्क बनाया गया है, ये पूरा पूरा जो डेटाग्राम नेटवर्क बनाया गया, ये पूरा ये डिफरेंट राउटर्स लगे हुए हैं, ये राउटर 1 2 3 5 राउटर्स लगे हुए हैं। अब कितने सारे पाथ हैं, एक या फिर ए गुजरता हुआ यहां से लेकर यहां तक आ जाए, यहां से डायरेक्ट पहुंच जाए, यहां से जिगजैग होता हुआ आ जाए, तो ये डिपेंड करता है। ये जो 3 1 4 1 2 4 1 ये 3 लिखी हुई है ना, ये है इसकी पोस्ट और पैकेट्स। ये देखें ये जो आ रहा है कौन सा पैकेट आया, 3 3 1 4, मतलब ये मल्टीपल पैकेट सेंड हो रहे हैं, 1 सेंड हो रहा है, 3 हो रहा है। अब 3 पहुंच गया, पहुंचना जैसे ही आएगा वैसे ही पैकेट जो है वो मूव हो जाएगा, जो पहले होगा वो आपकी डिमांड के ऊपर रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, ये पैकेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे मूव हो रहे हैं। क्या बाकी इसके बारे में लिखा है, जिसने डिटेल पढ़ना है वो इसको लाजमी पढ़ेंगे। बाकी ये वो ही लिखी है जो चीज मैंने बता दी है। बाकी राउटर का राउटिंग टेबल होता है, आपको याद होगा कल मैंने आपको शो की कमांड्स बताई थी, शो आई पी राउट, शो आई पी ब्रीफ, वो एक्चुअली आपका राउटिंग टेबल होता है, जिसमें आप देखते हैं कि कौन सा आई पी कनेक्ट है, कौन सी फास्ट ईथरनेट कनेक्ट है, कौन सा आईपी कनेक्ट है, कौन सी फास्ट ईथरनेट कनेक्ट है, कौन सी पोर्ट अप है, कौन सी पोर्ट डाउन है, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो सारा का सारा आईपी राउटर में ही हम देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये देखें ऐसे होता है राउटिंग टेबल, यहाँ पे तो डायग्राम है ना ऐसे ही होना है, लेकिन वहां पे राउटिंग टेबल कैसे था, सिंपल, कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा नहीं कनेक्टेड, ये एक राउटर है, ये राउटर का डेस्टिनेशन एड्रेस है, आउटपुट पोर्ट है, मतलब ये एड्रेस दिया हुआ, ये एग्जांपल है, और कौन सी पोर्ट के साथ अटैच है वो लिखी हुई है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये चीज क्या लिखी है, आ स्विच इन आ डाटाग्राम नेटवर्क यूजेस आ राउटिंग टेबल दैट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस। भी आपने जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है उसका अगर आपको डेस्टिनेशन एड्रेस ही नहीं पता, आपको उसका नेम ही नहीं पता, आप कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या चीज होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस इज अ इन द हेडर ऑफ पैकेट इन द डाटाग्राम, भी ये हर एक राउटर के पास आपने रखवाना होता है, हर राउटर को पता होना चाहिए कि मैंने जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और मेरा सोर्स क्या है, मेरा सोर्स आईपी और दूसरे का डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एफिशिएंसी जैसे सर्किट स्विचिंग में थी, इसमें एफिशिएंसी यही है कि अगर लेट्स सपोज करें इसमें हमारा जो डिले है वो नहीं होगा, अगर डिले हो गया है तो वो मिनट्स के अंदर दोबारा रीसेंड कर दिया जाएगा, सिर्फ वही वाला। सर्किट में क्या होता है, डिले हुआ दोबारा नॉइज जनरेट हुई, तो वो एफिशिएंसी जो है वो स्लो होती है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है डाटाग्राम की, डाटाग्राम नेटवर्क की, बेटर देन है किससे, आपकी सर्किट नेटवर्क से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं करना पड़ता कि वेट करना पड़े, हम सिर्फ वेट करते हैं, जो रिसोर्स एलोकेट करना है उसी के साथ हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर करेंगे, दैट्स इट। तो इसलिए ये अच्छा है। डिले किस डिले में क्या चीज है इसकी, लेकिन मे भी इसकी डिले जो है ग्रेटर देन हो जाए किससे, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क से, अभी हमने वर्चुअल सर्किट नेटवर्क पढ़ना है, लेकिन इसकी इसकी जो डिले है वो कम है किससे, सर्किट नेटवर्क से। हाँ जी, ये देखें डिले डिले नेटवर्क मतलब पैकेट अगर डिले हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन डिले हो रही है, सेंडर है ए टू बी, दो राउटर्स लगे हुए हैं, एक ये राउटर लगा एक ये राउटर लगा हुआ है, सेंडर क्या कर रहा है, वेटिंग कर रहा है, सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट। अब ए ने बी के पास जाना है, जितनी अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उससे होते हुए उसने अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की, इसको बी को कितना वेट करना पड़ा, उसको वेटिंग टाइम, ये वेटिंग टाइम दूसरे राउटर का, देन जाके सेंड हुआ, तो ये टोटल डिले है इसका। तो स्विचिंग से कम है, उस सर्किट स्विचिंग से कम है, लेकिन वर्चुअल सर्किट से इसका जो है डिले ज्यादा है।
ये चीजें नहीं करनी, इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं जाना आपने कि ये क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये नोट्स लाजमी पढ़ने हैं। स्विचिंग इन द इंटरनेट इज डन बाय यूजिंग द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर लेवल। ठीक है, इसमें जो पैकेट स्विचिंग है, डेटाग्राम स्विचिंग है, वो आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है। जो सर्किट स्विचिंग है वो आपकी फिजिकल लिंक के ऊपर होती है। ठीक है, अब जो आपकी है तीसरी चीज वो आती है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ये क्या चीज है, दोनों के दरमियान में क्रॉस ओवर होती है, किसके दरमियान में, सर्किट और डाटाग्राम नेटवर्क मतलब पैकेट। ठीक है, एडवांस जो है एडवांस सर्किट प्रोवाइड करती है, वर्चुअली मतलब वर्चुअली एक्सेस, इसमें हमें फिजिकली लिंक की भी जरूरत नहीं होती। सेट किया, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, सेटअप करेंगे, ऑन दी डिमांड होगा सारा काम। लेकिन वर्चुअल नेटवर्क इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड इन द डाटा लिंक लेयर, व्हाइल अ सर्किट नेटवर्क इज इंप्लीमेंटेड इन फिजिकल लेयर एंड डाटा ग्राम नेटवर्क इन द नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब वर्चुअली सर्किट नेटवर्क कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, आपके डाटा लिंक के ऊपर होती है, मतलब सेंटर में। दूसरी लेयर है ना ये, पहली वाली जो थी सर्किट कहाँ पे होती है, सर्किट आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर होती है, डाटाग्राम किधर होती है, नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है, और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क किधर होता है, आपकी डाटा लिंक। सर्किट आपकी फिजिकल लेयर मतलब डेडिकेटेड लिंक, ओरिजिनल चैनल कनेक्टिविटी, और नेटवर्क लेयर डाटाग्राम मतलब के पैकेट, ये आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है स्विचिंग। और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क किधर होता है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर होता है, मतलब इन बिटवीन बोथ ऑफ फिजिकल एंड नेटवर्क। तो ये वर्चुअल सर्किट की डायग्राम है, फिगर है बनी हुई, आप देख सकते हैं। ये एक एंड सिस्टम है भाई, हर चीज में अलग अलग लिखा हुआ है। जब आप एंड सिस्टम की बात करते हैं तो वो डाटा लिंक में आता है, एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड। एक ये आपके मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं, ये एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, वर्चुअल वर्चुअल सर्किट। यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे मैक एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबल ग्लोबल और लोकल दोनों वर्चुअली जो है वो सेटअप होती है। यहाँ पे ग्लोबल एड्रेसिंग मतलब आपकी जो भी पाथ पाथ है, लाइक आपका क्या स्कोप है, कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर, हाँ वो आपका मैक एड्रेस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक ही यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे एक आईपी एक डिवाइस को दिया जाता है, वो दूसरे को नहीं दिया जा सकता। जैसे आपका एक सर नेम है, वो आपका ही है, आपकी आपकी आपके जो है भाई बहन का ही है, मतलब और किसी का नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये है, जैसे मैक एड्रेस है, हर पीसी का यूनिक होता है, तो वो भी किसी और का नहीं हो सकता। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर वीसीआई, ठीक है, ये क्या है, ये आपके ग्लोबल एड्रेस की तरह ही मतलब होता है, स्मॉल नंबर ऑफ ओनली स्विच स्कोप। ये फ्रेम्स वगैरह सेंड करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो ये चीज आपको रिप्रेजेंट कर, क्योंकि डायग्राम में क्लियर पता चल जाता है ये डाटा है। ये जो 14 है ना, 14 ये मेरे सेंडर का एक यूनिक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर है, मेरा यूनिक नेम है, जो इस स्विच से होता हुआ रिसीवर तक पहुंच रहा है, ये रिसीवर का यूनिक वीसीआई है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे। फिर उसके बाद इसकी भी थ्री फेजेस हैं, डाटा ट्रांसफर फेज है, डाटा कैसे ट्रांसफर होना है, भाई कनेक्टिविटी वैसे ही होनी है जैसे हमने फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, हैंड शेकिंग में पढ़ा था। सेटअप फेज होगा, डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो किस सेंस में आती है, एडवांटेजेस इसका ये है कि सर्किट में ना अगर हमारे पास रिसोर्स एलोकेट हो तो हमें सिर्फ डिमांड के ऊपर ही आएंगे और नहीं आएंगे, अवेलेबिलिटी होगी तो डाटा सेंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, एफिशिएंटली काम करता है ये। फेजेस तीन ही होने हैं, फेजेस स्टार्टअप हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, डाटा शेयर हुआ, टीयर डाउन हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी के ऊपर पढ़ना है तो ये चीज हम देखेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम ट्रेवल करेगा, सेम पाथ के ऊपर करेगा, अराइव हो जाएगा ऑन द डिमांड। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है ना,
वो अब आप लोग जो है वो ग्रुप में मुझे करिएगा, ठीक है? यहाँ पे टाइम नहीं है, ये खत्म हो गया आप लोगों का। डिले इन द वर्चुअल सर्किट, यहाँ पे देखें ये डिवाइसेस लगी हुई हैं, लिंक्स लगे हुए हैं, सेटअप हो रहा है, ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे हो रहा है, टोटल डिले की बात कर रहे हैं ना, आपकी कनेक्टिविटी कितने टाइम में होती है, फौरन से हो गई है, मतलब कि ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ये वर्चुअल ही है ना। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, एरर आ गया है, तो फिर इसने भी कैसे काम करना है परफॉर्म, जहाँ पे डिले होगा वहां पे दोबारा पैकेट रीसेंड कर दिया जाएगा या फिर एक्नॉलेजमेंट दोबारा आ जाएगी। जैसे आप सर्च करते हैं किसी चीज मैम, वेट, जैसे आप मैम, सर्च करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, करे क्वेश्चन। इसमें जो थ्री फेज है वो थ्री वे हैंडशेकिंग का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, थ्री वे हैंडशेकिंग का कॉन्सेप्ट है। मैम जो थ्री फेज है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थ्री वे हैंडशेकिंग का कॉन्सेप्ट है, बस ये इसकी टाइप। हाँ, पूछे। जो वर्चुअल स्विचिंग नेटवर्क है ये यूनियन में होता है। वर्चुअल, वर्चुअल एक ऐसी चीज होती है जो एक्चुअली नजर नहीं आ रही होती, डेटा लिंक के ऊपर होता है। तीन चीजें बताई है ना मैंने, तीन इसकी टाइप्स बताई है स्विचिंग की। हमने स्विचिंग पढ़ी, स्विचिंग आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस प्रोवाइड करती है, लिंक जनरेट करती है। थ्री टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी, सर्किट, पैकेट, पैकेट का दूसरा नाम होता है डाटाग्राम, ठीक है, और तीसरी क्या है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल सर्किट। थ्री है टाइप्स इसकी। पहली जो सर्किट वाली है वो उसमें डेडिकेटेड पाथ होता है, मतलब फिजिकल लिंक, जैसे आपके टेलीफोन नेटवर्क होता है, टेलीफोन के जरिए कम्युनिकेशन होती है। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या है आपका, पैकेट स्विचिंग, वो किधर होती है, राउटर के ऊपर होती है, डेटाग्राम्स, जैसे आपने OSI मॉडल में देखा था, डेटाग्राम्स की फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही होती है। फेजेस वही चीज है कम्युनिकेशन।